जिहड़े बंदे इन्नी बुलंदी ते जिस बंदे ने गल कीती अपनी धी मरवा दे सिर्फ इस करके कि भी वो कुड़ी मुहब्बत करती है किसी बंदे नूं। मैनू मैम कहिंदे एक दिन कि मनजीत इंदरा तू अपनी स्वय जीवनी लिख, स्वाद आऊगा और पता लगू लोगों। मैं कहा जी भी मेरे ते तां डेफामेशन बड़े हो जाणगे। पर तुसी लै सकते हो क्योंकि तुसी अपनी गल हमेशा अमृता प्रीतम दी स्वय जीवनी दे विच सारा ही झूठ है। मैम टिवाणा ने भी जगीरदार ते फलाना 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 वो अपने उदा दी गल नहीं कीती। जे इनाम मैरिट ते मिलना हुंदा ते मनजीत इंदरा नूं बहुत चिर दा इनाम मिल गया हुंदा। किसी ने कहा जी अच्छा वो फलानी नूं दे दिओ, कहिंदा नहीं ऐतकी मेरे वाली नूं इनाम दे दे, अगली नूं तेरे वाली नूं दे दांगे। नहीं मैं इन दुख दबलों नूं वार वार नहीं छेड़ांगी। तुसी बहुत खुल के अपने बारे गल करदे हो, बहुत खुल के होर साहित्यकार जिन्हां दा हुण तक तुसी संग माणिया उन्हां बारे तुसी गल कर लैंदे हो, पर ज़्यादातर जिहड़े साहित्यकार ने वह हमेशा अपनी निजी जिंदगी है जिहड़ी उहनूं लुको के रखना चाहुंदे आ। ये डर हर एक वड्डे साहित्यकार खास करके आ। इस तरह का संकोच आ जिहड़े उहनां लोकां क्यों आ जिहड़े कहिंदे ने कि कलम आ जिहड़ी उह तलवार तों वी तिखी हुंदी आ, वह एक नंगा सच लिख सकदे ने, पर जदों गल अपने ते आउंदी है तां निजी जिंदगी नूं लुकाउण वाला ये जिहड़ा एक चलन आ, ये साहित्यकारां दे विच ही क्यों आ? देखो क्यों दा तां हुण जवाब उही दे सकदे ने वधिया। ड्यूल परसनैलिटी कहिंदे ने, हिपोक्रेसी कहिंदे ने, इसे नूं कहिंदे ने। कहणी ते करनी च फर्क होणा, कहणी ते कथनी च फर्क होणा। लोकी जिन्ना चिर कई कई लोग ने मैं ना नहीं लैंदी जिहड़े बंदे इन्नी बुलंदी ते जिस बंदे ने गल कीती अपनी धी मरवा दे सिर्फ इस करके कि भी वो कुड़ी मुहब्बत करती है किसी बंदे नूं। ओपन सीक्रेट है। हाँ जी। मैं एक उस बंदे नूं चिट्ठी लिखी सी। हाँ जी। मैं कमल होना दी गल कर, उन्हां दा अपना नहीं सीगा। उन्होंने जसवंत गिल दे नाल परिवार अलग सी, मैं उन्हां नूं मिलन गई सी। वो जसवंत गिल नाल रहिंदे सी बाहरले घर च। मैं एक चिट्ठी लिखी सी उन्हां नूं कि मैं किसी नूं मुहब्बत करदी हाँ, करदे नहीं मनदे, की करां। उन्होंने अज भी मेरे कोल पई है ड्राइंग शीट दे उत्ते चिट्ठी है। हाँ, एक कॉर्नर तो दूजे कॉर्नर ते देखना है कि हुण सिदक दी मिट्टी खुरदी है कि संगमरमर बनदी है। अच्छा जी। ते मैं फिर अपना एक गीत दे विच लिखिया सी कि सिदक दी मिट्टी कदी ना खुरदी, मरमर बनदी आतिश पुजदी, नैण निमाणे निस दिन रहिंदे दर्शन दे तिरहाए। सो उदू बाद विच सुनिया कि भी के एल गर्ग ने एक नावल भी लिखिया सी मेरा ख्याल है उस घटना ते। सो ये गल्लां जिहड़ियां ने कहना तुसी वो मैनू तां कोई फलाना कहिंदे हुंदे ने किसे दी बेटी वास्ते गल करनी बड़ी सौखी है, जदों अपने ते गल आ पैंदी है ते असी अपनी जुबान चिथ लैने आ। क्यों शायद असी उसे एक नकाब च रहना चाहते हैं जिहड़ा असी अपनियां लिखतां च दिखाने कि लेखक ने जिहड़े बहुत उच्चे हुंदे आ जां लेखक जिहड़े ने उह सिद्धांतां दे बहुत पक्के हुंदे आ, इह चीज़ आ जिहड़ी खोण तों सानूं शायद डर लगदा है। हो सकदा इह हो सकदा। मैं तां इह कहिंदी हुंनी आ भी तुसी लेखक दी, मैनूं कदी कदी इह लगदा हुंदा भी तुसी लेखक दी किरत नाल वावस्ता रहो, उहदी जिंदगी नाल नहीं। पर कई बार जिंदगी जिहड़ी है वह तुहाडे सामने हुंदी है ते फिर तुहानूं उहनां दा साहित लिजलजा लगदा है, अच्छा नहीं लगदा। बहुत सारे साहित इदां दा हैगा आ, बड़ा कुछ असीं देखदे हां। स्वय जीवनियां ने जिहड़ियां मैं ना क्यों क्यों लवां, पर तुसीं लै सकदे हो क्योंकि तुसीं अपनी गल हमेशा अमृता प्रीतम दी स्वय जीवनी दे विच सारा ही झूठ है। हाँ जी।
मैम टिवाणा ने भी जगीरदार ते फलाना 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 वो अपने उदा दी गल नहीं कीती। होर कई लोग ने खुशवंत सिंह ने कीता ऐदां दी गल कीती है। अजीत कौर दी जीवनी नू तुसी कहने हो कई कई चीज़ां ने कई कई चीज़ां पढ़ के मैनू भी इस तरह नाल लगा भी हैं भी अजीत कौर इदा कर सकती है पर जो उन्हें किया है तो वह बोल्ड होकर लिख रही है। हाँ जी बचिंत कौर उन्होंने बचिंत कौर की पगडंडियाँ है वह लिख रही है। इदा ने बहुत सारिया होर औरतों ने गल ने कर रही ने जिमें सेज उलझना चै हों अपनी कैलाशपुरी ने कि बेबाकी सेज उलझना लिखिया जिन्हों दिन उन्होंने दिनों जिन्हों दिन औरत उच्चा बोल के अपने 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 सैक्स की गल करनी तो बड़ी दूर सी अपने मर्द की गल नहीं सी कर सकती उन्हें उन्हें उदों भी गल की है सेल जुड़ना लिखिया ने जो अपनी स्वय जीवनी लिखी है पर फिर भी वो कुछ ना कुछ लुकोगी कैलाशपुरी भी कुछ ना कुछ लुकोगी तो अमृता जी की स्वय जीवनी के उत्ते तो इमरोज़ ते साहिर साहिर ते इमरोज़ वो फलाना मेरी जिंदगी च आया उतारिया तो सच पढ़े हो तुसी मैं वो रसीदी टिकट उत्ते ही वो पात्र सारे बोलते ने अमृता प्रीतम जी बोलते ने तो तुसी ओनू सारे नू पढ़ो तो पता लगेगा। मैं समझ नहीं मैनू कहिंदे भी तुसी अपनी मैनू दलीप कौर टिवाणा ने कहा सीगा मैनू मैम कहिंदे एक दिन कि मनजीत इंदरा तू अपनी स्वय जीवनी लिख स्वाद आऊगा और पता लगू लोगों नू। मैं कहा जी भी मेरे ते तां डेफामेशन बड़े हो जाणगे अमृता जी ने तो इको डेफामेशन करना सी तारियां दे छज ते मोहन मैनू बड़ा अफसोस है कि उन्हां दा डेफामेशन मोहनजीत ने रोकता भी जे तू उहने डेफामेशन कर देंगी तू तो ज्ञानपीठ तो ही वड्डा अवार्ड दे देंगी तो डेफामेशन रुक गया। चलो कोई गल नहीं उन्हां दा विरोध वड्डी शायरा सी कोई गल नहीं अज भी वो अमृता दी कविता वर्गी कविता किसी ने नहीं लिखी सच्ची मुच्ची नहीं लिखी मेरी माँ की कुख मजबूर सी उस वेले नू अज आखा वारशाह नू कितें कबरां विच्चों बोलो अमृता ही लिख सकती सी। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ 47 ਵੇਲੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 84 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲਹੂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ दिलीप मैडम ने भी लिखिया बहुत सारे लोगों ने लिखिया सम्मान तक वापस किए गए। हाँ तो साड़ी वड्डी शायरा चुप रही है उदी अपनी मजबूरियां सी सत्ता नाल नज़दीकी सी हुण सत्ता का विरोध करन वाला तो 15 किताबां हुण तक तुसी लिख चुके हो ना जिदे चो बेहद मकबूल जे किताब 9 शायरी दियां हाँ जी बाकी दूजियां बिल्कुल जे मैं बहुत मकबूल किताब कहाँ तो तारियां दा छज है ना कल्ले मतलब एहो जिहा कोई पाठक नहीं होना जिन्हें शायद साहित्य नूं प्यार करन वाले ने नहीं पढ़ी। हुण तक सन्मान ने जिहड़े ओह हिस्से बहुत घट आए ने है ना हुण जे मैं अज दी बॉलीवुड दी गल करां तां नेपोटिज़म दा जिहड़ा बहुत ज़्यादा रौला पिया होया ते जे साहित्यिक गलियारियां दी गल करां तां कहिंदे ने कि साहित्यकार भी इस चीज़ च पिछे नहीं रहे वह भी चहेते चहेतियां वाला जिहड़ा उत्थे बहुत मुद्दा है हमेशा ही चर्चा च रहिंदा है कि सन्मान ने जिहड़े उहदी झोली च ही पैंदे ने जिहड़ा उन्हां सारियां शर्तां ते पूरा उतरदा जिहदे ते वड्डे साहित्यकार ने जिहड़े वह डिमांड करदे आ जां वह गल्लां तुहानूं सारियां पता ही आ मेरा सवाल लम्मा करन दी कोई तुक नहीं बणदी है ना ਖਟਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਂਠ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਇਨਾਮ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੋਡਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਮੈਨੂੰ? ਸੋ ਇਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਸਹਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਾਂ 15-20 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਸ਼ਕਤ ਮਰਦ ਦਾ ਮੋਢਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਵਲਗਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਛੱਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਧੀਰ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਬੜਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਇਕਦਮ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਨਾਂ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਨੰਤਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਧਨੰਤਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਛੱਜ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇੱਕ ਪਲੜੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਛੱਜ ਦੂਜੇ ਪਲੜੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪਲੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਲੈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਛੱਡੋ ਅਗਲਾ ਨਾਂ ਲਓ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦੇ, ਅਗਲੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਨਾਮ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ 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 ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਰਸ਼ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ? ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਗਤਾਰ, ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਖੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪਹੀਏ ਟਹੂਏ ਜੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਥੇਰੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਨਾਮ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਲਏ ਖਰੀਦੇ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ।
मतलब आने वाले समय च सुलझे साहित्यकार ने जिहड़े उन्हां नूं इनामां तो भी दूर रहना चाहीदा, इह वी एक तरह नाल बदनामी दा पता नहीं इह बदनाम क्यों अगे नहीं इनाम मिलदे सी। देखो इह अगे भी सिफारशां हुंदियां रहियां, हुण तुसीं देखो मैं फिर गल करदी हां प्रभजोत कौर इनाम मिलिया जां तां उहदे वेले औरतां घट सीगियां पर प्रभजोत कौर की शायरी अमृता प्रीतम की शायरी के बिना बराबर नहीं है, नहीं है। उस वेले दियां औरतां च भी बहुत सारिया इनाम नहीं मिले, लेकिन वह यह तो नहीं सीगा भी प्रभजोत कौर की शायरी च है ही कुछ नहीं सी। मैं एग्जाम्पल दिती है, मैं कोई तो किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही, लेकिन अज तुसी केड़ी शायरी नूं इनाम दे रहे हो? हुण भाषा साहित्य अकैडमी छपदी है, साहित्य अकैडमी भारत दियां सारियां भाषावां च अनुवाद होना उहदा, शर्म आउंदी आ यार। कल नूं कहणगे भी आ पोइट्री पंजाबी वाले लिखदे ने। किताब दा कद सन्मान दे कद जिड्डा जरूर होना चाहीदा। हुण हुण ओह इक बंदा लिख बंदा है, फिर वह अपनी घरवाली नूं भी लिखण ला लैंदा है, फिर वह उहदे न्याणे भी लिखणे शुरू कर दिंदे ने, फिर वह कहिंदा जी वो अगले दिन नूह आई वह भी लिखना शुरू कर देंदी है, फिर जी अगला पूरी अड्डी चोटी का जोर लाउंदा है भी मेरी घरवाली नूं भी वह रातों रात दस किताबां छप जांदियां, वह बीबी दियां है, वह पुत्र दियां दस किताबां छप जांदियां ने। इत्थे गिणती है, गुणवत्ता नहीं है। साहित पात्र ने एक किताब लिखी सी हवा च लिखे हरफ, पात्र उदू बाद चाहे कुछ भी ना लिखता, पात्र उड़ा ही वड्डा शायर सी जिड्डा वो बाकी किताबां लिखण तो बाद होया। ठीक है, ये पात्र बनना सौखा नहीं है। ठीक है, जगतार बनना सौखा नहीं है, पर हालात होंदे ने। पात्र मलूका साऊ बेजुबान अज भी उदा दा ही है, है? देखो मैं कहनी हाँ भी जो मनजीत इंदरा पोइट नहीं सी ते पात्र 1972 विच हले उहदी किताब भी नहीं सी छपी, है मैं तो पात्र नूं उदों तो जानदी हाँ, पात्र मैनू भी उदों तो जानदा होएगा, लेकिन बड़ा शाइस्तगी वाला रिश्ता सी, अज भी उह कायम है। बिल्कुल, बड़ी सहजता ते बड़ा हाँ। अच्छा मैं कहनी तुसीं मैनू कहोगे भी मैं किसी एक बंदे वास्ते मेरी वो अख एक बंदे वास्ते होई और नभाई, लेकिन पता नहीं वो अख दे विच वो कहिंदे मैं आई लव यू आउंदा नहीं, मैं की कर सकती नहीं आउंदा। सो भाई गल यह है, ये मैं अपने आप लई लिखदी हाँ। औरत सरोकारां ते बहुत लिखिया तुसीं हुण तक, है ना? जदों औरतां दी गल आउंदी है, खास करके लिखण वालियां औरतां दी गल हुंदी है, तो तुसीं कहिंदे हो कि प्रोफेसर मोहन सिंह वर्गा जिहड़ा हत्थ है अज कल दियां लिखण वालियां कुड़ियां दे उपर जरूर होना चाहीदा, क्योंकि जदों तुसीं लिखणा शुरू कीता सी तां बहुत सारियां इहो जिहियां गल्लां सी, तुहाडा कहना है कि उन्हां ने तुहानूं समझाइयां ने जिहड़ियां, इहो जिहा अज दे दौर दियां लिखण वालियां कुड़ियां दी की समस्या है कि तुहानूं लगदा है कि प्रोफेसर मोहन सिंह हुणा वर्गा हत्थ उन्हां दे उपर जरूर होना चाहीदा जिहड़ा उन्हां नूं चंगे जां माड़े वक्त लई आगाह करदा रहे? मैं ये भी नहीं कहती, ये बंदा घर चो सीखदा आ, अपनी सोझी भी हुंदी है, श्रेय जांदा प्रोफेसर मोहन सिंह नूं जदों मैनूं कहिंदे हुंदे सीगे भी ये मुंडे मुंडे खुंडे जिहड़े हुंदे सीगे मेरे आले दुआले हमेशा ही हुंदे आ, हमेशा जो साहित्यकार तुसीं उस पेड़ च चले गए हो तो उन्होंने कहना इन्हां नाल गल्लां दे वाले छोपे नहीं पाई दे हुंदे, गल सुनी दी हुंदी है ते तुर पईदा हुंदा। जिहड़ा इह हत्थ होण दा गल है, इह की है कि भी अजकल दा तां सिस्टम ही नहीं है कोई, इह कुड़ियां देखदियां ही नहीं गियां, शॉर्टकट भालदियां ने शॉर्टकट। ते इक जिहड़ी गल मैं कहनी हां भी उह नारी साहित, नारी साहित किहड़ा नारी साहित, जे हुण देखो पुराण प्रोफेसर मोहन सिंह ने लिखिया बसंत ते कविता लिखी है, फुल फुल ते भौरियां वांग फिरना इन्हां मर्दां दा रिहा दस्तूर माहिया, नारी कव नारीवाद है। जे वह नारी की गल करते हैं, अमृता प्रीतम मेरी माँ की कुख मजबूर सी,
सने सेज दे बेड़ियां अज लुढ़न दित्तियां रोड़, सने डालियों पींघ अज पिपलां दित्ती तोड़, जिथे वजदी सी फूक प्यार दी वंझली गई गुआच, रांझे दे सब वीर अज भुल गए उहदी जाच। एक कविता लिखण वाली बूहे खड़ी जायदाद, इहनू तुसीं नारी काव्य दे विच रखिया। अज जिहड़ी भी औरत लिखदी है, ये मैनू नहीं पता, मैं बार बार मैं तो यह कहनी हाँ कि जिहड़ी भी औरत लिखदी है, और ये नारी साहित हो गया जी। शिव ने लूणा लिखी, शिव ने लूणा लिखी, तुसीं उहनूं नारी काव्य च कर दोगे? मैं फिर कहनी हाँ सरोजनी नायडू नूं कित्थे करोंगे? महादेवी वर्मा नूं कित्थे करोंगे? दिलीप कौर टिवाणा दे नावलां नूं नारी च रख दोगे? अजीत कौर नूं नारी च रख दोगे? क्यों यह एड्डी सीमित सोच कीती हुई है? साहित साहित हुंदा है। हाँ, जिहड़ी कविता नारी वास्ते सिर्फ नारा मारदी है कि हाए सानूं आह ना होवे, हाए तू आह करदा, हाए तू आह करदा, वह नारीवादी हो सकती है, ठीक है। लेकिन साहित नूं साहित दे तौर ते रखो। मैं फिर उत्थे कहूँगी भी मर्दां ने यह एक सोच लिया होना भी ये बराबर आ गई कि साढ़े साड़ी किताबां दे बराबर तोलियां ना जा सकन, तो ठीक है जी, ये पाड़ा पा दिओ साड़ी कविता अड रह जाए। नारी साहित्य ते ये आलोचकां दी किसे दी ये कोई चलाकी हो सकती है, और कविता कविता हुंदी है, ठीक है। तो मैं इसनूं इसे तरह नाल समझदी हाँ। तो जिहड़ी हैगी है भी नारीवादी मैं लिखी है, मेरे आले दुआले विच जो कुछ वापरदा है, तशद्दद मर्द ते भी हुंदा है, तशद्दद औरत ते भी हुंदा है। बिल्कुल, औरतां तशद्दद करदियां भी ने। मेरी किताब हैगी है अलख, मैं तू आवाज़ मारी है किताब, पोइट्री दे कविता दे विच नावल लिखण दी यतन कीता, तू आवाज़ मारी है। चंडीगढ़ दे विच है तो सारे ही किते आ, क्योंकि चंडीगढ़ मैं बहुता समा रही हाँ। एक्सट्रा मैरिटल रिलेशन, व्याह तो बाहरले रिश्ते संबंध औरत मर्द दे, एक घर है, घर च हसबेंड दा कोई होर गर्लफ्रेंड है, वाइफ दा कोई होर बॉयफ्रेंड है, धी दा कोई बॉयफ्रेंड है, सहज एतवार नूं करे उन्हां दे बड़ा चाह पीनी है, वाह हा 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 हो रहा, अपना अपनी अपनी चाबियाँ रखी हुई ने। अच्छा तो अपनी चाबी ले ली ना तुमने, शायद मैं शाम को मत ना आऊँ, तो मैं भी नहीं आऊँगी शाम को, शायद मैं भी लेट आऊँ। ए मैं एक फिर नावल लिखिया, वह कुड़ी भी पता नहीं उस कुड़ी का विचार विदेश चली गई सी, व्याहे वरे बंदे नाल उस कुड़ी का रिश्ता, कि वह बंदा ये कह रहा है कि मैं मेरा तो घरवाली ने दम किया होया, मेरे तो बनती नहीं, मैं तो उन्होंने तलाक देना है, बस दे देना है। मैं ये एक सब तो बड़े बहाने ने जिहड़े है ना, तो वो कुड़ी प्रैगनेंट हुंदी है, वो कहिंदा नहीं तू पापा सोचांगे तेरा बच्चा कित्थे पैदा होगा, की होगा, किवें होगा, अबॉर्शन करती है, फिर वो प्रैगनेंट हो जाती है। वह कहिंदी भी हुण ये तेरा ही है, मैं नहीं करती। वह कहिंदा भी तू रख लै इहनूं, मैं आपदी घरवाली नूं ते अपने बच्चे नूं कित्थे बच्चियां नूं कित्थे छड्डूंगा। ये हिपोक्रेसी है एक। मैं उस कुड़ी नूं पिछे हटाया सी, कि वह कुड़ी तो कहा सी कि ये रिश्ता मैं हवावां दे हवाले कर दी हाँ, जे तू मेरा होवेगा तो मेरे को आएगा, तो इस कर तू मेरा है ही नहीं सी, ये मेरा परम सी। लेकिन मैनू इस लाइन ने इस पिछे हटाउण ने बहुत डिस्टर्ब किया। एक कुड़ी पिछे हटा के की होया? फिर मैं अलख दी पोइट्री लिखी, सारी पोइट्री लिखी मैं, लिख ली भी इदा लिखूंगी मैं। फिर मैं मतलब मैं अपनी बेबाकी दा पूरा पूरा फायदा लिया, ब्यूरोक्रेट्स नाल, साहित्यकारां नाल, बिजनेसमैन जिहड़े मेरे चंगे दोस्तां दे सर्कल च सी, अपने कलीग्स नाल। मैं उन्होंने बिल्कुल नहीं पता लगन दिता भी मैं गल्लां क्यों कर रही हाँ थोड़े नाल, भी थोड़ी इंटरव्यू कर रही हाँ मैं। सो उस लैवल ते जाके भी औरत मर्द दा रिश्ता बड़ा सहज हुंदा जी, बड़ा किद्दां वा भी घर दे किद्दां, बड़ा बड़े बेबाकी नाल बंदे बोले, वो
औरतां भी बोलियां। तो मेरे कोले लिखण वास्ते मटीरियल बड़ा हो गया। तो जे तो मैं ये लिखती हाँ कि भी तू आ करदा है, तू आ करदा, तू इदा का, तू इदा का, तू इदा का, तो मेरे ते तो इल्जाम लग जूगा भी मनजीतेंद्रा तो औरत बंदियां नूं भंड रही है। हाँ, फिर औरतवाद वाला जिहड़े काफ़ी देर मैं इस उलझन च पई रही भी मैं की करा। फिर मैं सोचा भी सारी की सारी गुरबाणी जीव इस्त्री के रूप च लिखी गई है। अज ना सुती कंत स्यों आंगू मुड़े मुड़ जाए, जाए पिछो डुहाग जाए पुछो डुहागणी तू कि रैज बहाए। शिव कुमार बटालवी ने लूणा लिखी है, पिता जे धी का रूप हंडावे लोका वे तेनू लाज ला आवे, मैं धी वर्गी सलमान सलवान दी। तो मैं ये फैसला किया भी जे शिव कुमार औरत बन के कविता लिख सकता है तो मैं मर्द बन के मर्द के दिल च बह के वो मन च बह के मेरे को पिया ना भी वो आ कहें भी इदा हैगा तो मैं लिख सकती हाँ। सो मैं अलख की पोइटरी लिखी, वो तो हाडे पढ़न वाली है पर बंदिया ने कहा वो बस कर तू हुण रहण दे बथेरा हो गया। एक बंदे नू एक बहुत वड्डे नां नू ब्यूरोक्रेट नू मैं कहा मैं कहा जी थोनू अपना चेहरा तो नहीं दिखिया पर झलक तो वेख ली होनी है ना सारिया ने दिखी पर उस किताब की चर्चा नहीं की। मैनू लग तो यही लगता है भी वह कहणगे भी यह साडियां गल्लां साडू सानू अपनियां गल्लां कौन कौन सुनना पचदियां किसी नू। हाँ औरत माड़ी है, औरत बेवफा है, औरत ने आ कीता है, वो बड़े लंबे लंबे गज गज का भाषण दे के कहणगे लेकिन मैं आ बंदे ने आ कीता है। वो कविता इदा ही है कि किन्ना बुजदिल हाँ मैं जिस थाली च खाना उस छेक करदा एक 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 दहाके की सांझ नूं तंगाणी दसदा। सो एक कविता थोड़े पढ़न वालियां ने कवितावां ये नहीं कि भी देखो मैं कहनी हाँ सारी दी सारी वफा औरत दे हिस्से नहीं आई। कदी औरत मरदी है कदी मर्द मरदा उस मेरे कोल ओ मर्द भी है उस मर्द नूं मिली मैं जिहड़ा भुब्बी रोया जिस औरत ने उहदे नाल तशद्दद कीता मैं उस औरत ते भी लिखिया कि भी मैं हुण तेरे नाल रह ही नहीं सकता जे तू आ भी जावें। रणवें मिलवें रंग है जिहड़े रंग नहीं है देखो मैं समझदी हाँ जदों मैं यह नैट पर देखिया सीगा तो उदों ऐ लग्या सी कि 20% औरतां खराब सीगियां ते 80% बंदे इहो जिहे सी जिहड़े मौका फायदा उठाउंदे सी। फिर मैनूं कहा भी इह करदे तां उह औरतां नाल ही सी ना पर उदों औरतां दी उह ना 80% शायद औरतां दी पहल नहीं सी हुंदी उहनां 'च मजबूरियां हुंदियां सी किसे नूं कोई बदली दी हो सकदा आ दफ्तरी 'च दफ्तरी मजबूरियां जा हो सकता भी किसी का खावंद जड़ा आ वह कोई ध्यान ही ना दिता हो सकता उत्थे मजबूरी होवे उन्हां दी पर पिछ हूँ तो यह है कि मजबूरी है। मैं थोड़ा एग्जाम्पल दिती है कि मैं वो परिवार को अखी देखिया है और पर वो सारे मजबूरियां नालों इच्छा इच्छावां जिहड़ियां ने तुहाडे दे विच वो इन्नियां प्रबल ने तुहाडे जिस्म की लोड़ जिहड़ी आ वो इन्नी तलब लगी हुई है तुहानू वो इन्नी कु लोड़ समझदे ने जिन्ना पानी का गिलास पी लिया। मैं इस मुंडे नूं दो बार कहा मैनूं पानी पिला दे तो उन्हां नूं वो पानी पीण वर्गी चाह पीण वर्गी रोटी खाण वर्गी लोड़ लगती है। मैं ये भी नहीं कहती कि जिहड़ी जिस्म की भुख है वह भुख नहीं हुंदी पर वो ते ज़ाबता हुंदा कोई वो तुहाडे तुहाडी बिल्कुल जिहनूं कहिंदे निजी है परसनल है तुसी उन्हां दी गल बाहर किते हवा भी नहीं लगन दिंदे वो तुहाडे बंद दरवाजे दीयां कहानियां ने पर अज वो बंद दरवाजे सारे चुपट खुले ने। मैं इत्थे एक होर गल कह दियां इन्हां गल्लां करके ही मैं बार बार कहनी हाँ कि भी मैं जो तुसी मैनूं कहिंदे हो बड़ी बोल्ड हां जी तुसी बड़ी बेबाक हो मेरी बेबाकी उस वेले कित्थे जाऊगी मेरी बेबाकी मेरा कोई साथ नहीं दिंदी जदों मैं किसी कली कारी सड़क के उत्ते रात के कुपनेरे दे विच मैं अपनी कार च भी जा रही हाँ उत्थे भी मेरी बेबाकी कोई काम नहीं करती मेरा किसी ने नहीं मैनू सुनना उस वेले मैनू यही हो नेरे पैण तो पहला पहला शाम दे वेले वेले मैं दिने चानने चानने मैं अपने घर आ जावां जे इन्हां हालात। हाँ एक दो बारी मैनू कदी ऐसा होया
कि किसी परिवारक मजबूरी च एक दो तीन बारी किसी साहित्यक तौर पर फंक्शन तो आ रही हाँ भी मैं तो घर ही जाना आ तो दिल च तुक तुकू लगा हों भी हाए उ रह जाना सीगा वाहेगुरू वाहेगुरू वाहे उस वेले दुख में सुमरन सब करे सुख में करे ना कोय मैं उन्होंने परिस्थितियों चो मैं भी लंघी हाँ मैं ये कहनी हाँ कि फिर गल उ आ कि सानू घर तो ही मुंडिया ते कुड़िया दे विच पाड़ा पा के नहीं देखना पऊगा मुंडे नू दसना पऊगा भी यह कुड़ी है ये भैन है तेरी या ये औरत है इसका तुसी इस नू इसकी मदद ही करनी है ओ मदद के वो शरीरक तौर पर कोमल है कमज़ोर नहीं है औरत जिहड़ी है वो कोमल है उस कोमलता नू पछानना सिखाउणा साडे घर च साडियां मावां दा साडे प्यों दा साडियां दादियां दा ये बड़ा फर्ज बनता है साडे अध्यापकां दा ठीक है असी ज असी तां इधर करदे ही नहीं वो मुंडा करे आया कोई गल नहीं मुंडा कुड़ी नू छेड़े आया कोई गल नहीं जे कुड़ी नू कुछ होता इन कुड़ी नू वड्ड दिओ असी कुड़ियां मारदे भी हां बहुत वड्डे एक शायर लिखते हैं कि औरत जदों मर्द की बराबरी लिए विजिद हो जाती है तो वह क्रूप हो जाती है उदा वो सुहप्पण उदा वो सलीका वो तहजीब आ जिहड़ी गुम जाती है। देखो मैं फिर इत्थे कहनी बराबरी किस चीज़ की बराबरी अपने औरत मर्द मर्द जिहड़ी है ए एक दो पहिए ने ठीक है ये दो पहिए बराबर चलते रहने चाहिए ने मैं फिर कहनी शरीरक तौर पर औरत कमज़ोर है औरत नूं अहसास है ये उस कमज़ोरी नूं मर्द वरते उस कमज़ोरी नूं औरत वरते कि मेरी कमज़ोरी है तो किसे 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 लालच वस आपां सारे ही जानते हैं चाहे वह साहित का खेत्र होवे चाहे वह सियासत का खेत्र होवे चाहे वह कला का खेत्र होवे जिंदगी का कोई भी खेत्र है उत्थे अजकल या पुराने समयां तो वह औरत नूं ओ चुप कर जाती भी जे कुछ कहा ये मी टू तो हुण आया हले मी टू च हले भी औरतां अगे नहीं आ रही ठीक है मी टू दे विच सके भरा का भी शिकार होईयां होणगियां अध्यापकां का शिकार भी होईयां होणगियां वो कुछ अगे आ रहे ने कुछ नहीं अगे आ रहे सो ये जिन्ना चिर तक असी साडे मगज नहीं समझते साडे जिहड़े मर्द नहीं समझते ठीक है तुसी किसे नाल कोई रिश्ता अपनाउणा ये अपनी मर्जी है उस रिश्ते नूं अपनाओ उस पर्दादारी रखो या नहीं रखो पर उन्नी कु पर्दादारी होनी चाहिए कि तुहाडा अपना परिवार तो डिस्टर्ब ना हो जाए पर पहली गल तो मैं ये समझदी हाँ कि व्याहे वरी औरत व्याहे वरे बंदे नूं इह जिहा रिश्ता वो दोस्त हो सकते ने मैं जिन्हां बंदियां दे नाल मेरे मर्द दोस्त बड़े सीगे बड़े मर्द दोस्ती कई ने कहना अच्छा फलाना तेरा मनजीत इंदरा अच्छा मैं हासा भी आता हुंदा सी कई बारी है ओ कई बारी कहना ओ शाम सिंह एक बार पता नहीं की गल हुई मैं क्या शाम सिंह तेरिया दो धियां मेरिया विद्यार्थना ने देख लै सोच लै वो कहिंदा ना भाई तेरे तो डर लगता है सो शाम सिंह जो सुनदा होवे तो इस तरह के नाल कई मेरे मतलब हैगे ने जदों तुसीं किसे दी झोली च ही गिर पैंदे हो अगला क्यों अपने आप नूं सांभूगा सो इत्थे औरत नूं अपने स्टैंड ते देखो गल इह है ये हर एक जिहड़ी भुख है ना वो हर एक थां दे उत्ते लाला सिट के नहीं पूरी हुंदी तुहानूं अपने आप नूं जाबते च रखना औरत बड़े जाबते च रहना जानदी है औरत जानदी है जाबते च रहना बहुत जरूरी है मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं गल्लां खत्म करा मैनूं लगदा वी तुहाडी जिहड़ी बोली है तुहाडीआं जिहड़ीआं गल्लां ने मैं घंटियां बैठ के सुन सकदी हां इस चीज़ शुक्रिया तेरा बहुत ज़्यादा पर आखिरी एक गल मैं पूछना चाहुंदी हां कि दलीप कौर टिवाणा जी ने कहा सी कि मनजीत इंदरा सहजीवनी है जिहड़ी वो बनदी है ना बड़ी करारी होएगी तो ये हुण जिहड़ा कदों पढ़ने नूं मिल सकदा देखो गल इह है सारे कह रहे ने एक पबलिशर ने मैनू ये भी कहा भी पैसे किन्ने लएंगी एडवांस लै ला तो स्वै जीवनी लिख दे मैं हाले तक नहीं सोच रही
ਕਿ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇੱਕ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸੀ ਤਾਂ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਾਊਂ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਊਂ ਹੋ ਜਾਊ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਲੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਕਸ਼ਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਚਲੋ ਬਚੇ ਰਹਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਣਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਨੀਗਾ ਹਾਲੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਨੁਮਾਈ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਮਨਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਨੇ ਹੈ ਕਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਚਾਰ ਹੈ ਇੱਕ 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 ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਤਨੰਤਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਪੋਤੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮਨਜੀਤਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਿੱਟੂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਸੈਂਕੜੇ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੋ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਬੈਠੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਛੱਡੋ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਇੰਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੂੰ ਇਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਨੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਸਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੈਨ ਵੀ ਗੋ ਫਾਰ ਡੇਟ ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸਿੱਟਣ 'ਤੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੁਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਸਮਝੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਨਾ ਲਾਓ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਡਿੱਗੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋ ਵਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਘੱਟਦਾ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਕਾਰ ਵੀ ਘੱਟਦਾ ਆ ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੋਊਂਗੀ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹਾਏ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਚਿਮੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਫਿਰ ਸੋ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰੜਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ